प्रदेश भर में दीपावली का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां राजधानी भोपाल स्थित बीजेपी कार्यालय पर संगठन पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने माता महालक्ष्मी का पूजन कर दीपोत्सव मनाया, जहां सभी ने एक दूसरे को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी है। देखिए एक खास रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में दीपावली का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जहां बीजेपी कार्यालय में भी दीपोत्सव को लेकर उत्साह का माहौल देखा गया है। यहां संगठन महामंत्री सुहास भगत, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, सांसद प्रज्ञा ठाकुर और प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी ने दीपावली के मौके पर प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचकर विधि विधान के साथ माँ लक्ष्मी और भगवान धन कुबेर की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की है। इसके बाद उन्होंने सभी को मिठाई खिलाकर दीपावली पर्व की बधाई दी है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं देने के साथ ही सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल के घटाए गए दामों को लेकर क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र के अंदर हो राज्य के अंदर हो। हमने बहुत पहले कहा कि हम गरीबी हटाने का नारा नहीं, गरीबों का जीवन बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। किसी गरीब को परेशानी न हो, चाहे कोरोना का संकट हो या नहीं हो। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मैं उनको पुनः दिवाली के इस अवसर पर एक बार फिर बधाई देता हूं, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के कारण जो फ्लक्चुएशंस पेट्रोल डीजल की कीमतों में आते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनमें टैक्स कम करके, आज मध्य प्रदेश के अंदर भी बैट कम करके कीमतों को जो कम किया है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन एक बात मैं इस अवसर पर जरूर कहना चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद देश के अंदर किसी ने यह प्रयास नहीं किया कि पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर निर्धारित होती हैं, इनके बारे में कोई स्थायी समाधान देश के अंदर क्या निकलेगा। लेकिन हमें गर्व है, और दिवाली के इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत के अभियान में डीजल पेट्रोल का अल्टरनेट देने का काम भी, जो उन्होंने इथेनॉल को लेकर के जो प्रयास देश के अंदर शुरू किए, इससे इन कीमतों में भी हम कंट्रोल करने का काम हमारी सरकार करेगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को पुनः बधाई देता हूँ। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता दीपावली पर्व मनाने प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।